वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु मैंने अपनी तालीम हासिल की है अपने बाबा से, पर कहते हैं ना, मछली को समुंदर का हिस्सा बनने के लिए तालाब से बाहर निकलना ही पड़ता है। वैसे ही अपने घर के बाहर की दुनिया में ये मेरा पहला कदम है। फॉर्म भर लिया आपने? जी। अब ये देखना है कि आज दुनिया मुझे आजमाएगी या मैं दुनिया को। किस्मत बड़ी अजीब सी चीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ किस्सों और कहानियों की बातें हैं, और कुछ कहते हैं कि सब अपनी अपनी किस्मत लिखवा के आते हैं। पर मैं इसे नहीं मानता। मेरे लिए किसी चीज के मायने हैं तो वो है हौसला और हुनर। अगर कुछ पाने का हौसला हो और उसे जीतने का हुनर, तो फिर किस्मत अपने आप साथ देती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा ही देती है। बाबा परेशान मत होइए, मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँच जाऊँगी। दिल्ली इतना भी अनसेफ नहीं है कि अकेली हूँ, रात हो गई है तो कोई मुझे नुकसान पहुँचा जाएगा। हेल्प, बचाओ, कोई है यहाँ? बाबा मैं आपसे आकर बात करती हूँ। भैया ऑटो रोकिए, वो आदमी उस लड़की को परेशान कर रहा है। अरे मैडम, लगता है दिल्ली में आप नहीं आई हो। नहीं, रात में अकेले निकली हुई तो क्या होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप इन सब में मत घुसो। ऐसे कैसे ना घुसो, मैंने अपना बैग रखा है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। मैंने आपके ऑटो का नंबर भी नोट कर लिया है। इतने दिनों से मैं तुमसे दूर रहा, वो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये किस्मत हमें एक दूसरे से दूर रख रही थी। और आज जब ये किस्मत हमें मिलाना चाहती है तो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। दूर भाग रही। ये जबरदस्ती लड़की को पकड़ के क्या कर रहा है? तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ और कह रही हो और तुम्हारा ये शरीर कुछ और कह रहा है? छोड़ मुझे। मैं छोड़ भी दूं अगर तुम्हें तो तुम खुद को कैसे रोकोगी? भाग सकती हो तुम, लेकिन छुप नहीं सकती मेरी परछाई से। तुम और मैं एक दूसरे से मिलने के लिए बने थे। जिंदगी भर का साथ यूं ही एक पहली मुलाकात से शुरू होता है। तकदीर का लिखा कोई बदल नहीं सकता। देखो मेरी आंखों में, आंखें कभी झूठ नहीं कहती। Thank you.
पागल हो तुम, ये क्या किया तुमने? वो लड़का तो तुम्हें छेड़ रहा था ना? मुझे कोई लड़का नहीं छेड़ रहा था। यहाँ पे एक्ट की शूट चल रही है, तू एक्ट्रेस? एक्टर्स? तुम जानती भी हो? He is India's most famous and hottest rock star, Rahul Sabharwal. I mean, लड़कियाँ मरती हैं उसपे और तुमने उसपे अटैक कर दिया। इसने पकड़ लिया ना, तो trust me वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर गलती है तो मुझे माफी मांगनी चाहिए ना? Just go. लड़की थी सर। लड़की? लड़की क्यों करेगी? हाँ चली गई लड़की, देखो जल्दी देखो। आज इस तरह हमारा मिलना हमारी किस्मत में था और किस्मत ने आज हमें मिला दिया। जिंदगी भर का साथ पहली मुलाकात से ही शुरू होता है। Why are we writing fake scripts? ये पहली नजर में प्यार व्यार कौन विश्वास करता है इन चीजों पे? You are right, sir. आजकल तो ना फर्स्ट साइट में ना सिर्फ हेट ही होता है। अब देख लीजिए ना सर, वो जो कोई भी लड़की थी आपसे पहली बार मिली and you almost went blind, sir. सर वो तो उसने तो आपको मुड़ के देखा भी नहीं। सर कितनी नफरत करती होगी ना आपसे जो आपको इतना दर्द दिया। वैसे ना सर वो ना इंडिया की एक लौटी ऐसी लड़की होगी, मतलब सबकी सब तो आप पे कितनी मरती है ना सर। What the? Pack up. Immediately shooting cancel करो, राहुल को वापस भेजो वहां से। I don't care किसका क्या नुकसान होता है, मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। Just get him back right now. Dad. शालीन, ये खबर प्रेस में नहीं जानी चाहिए, इन्फॉर्म करो उन्हें, रोको उन्हें। डैड अगर आज आप जबरदस्ती पैकअप नहीं करवाते तो राहुल अपना शूट खत्म करके निकलता, अब दोबारा हमें उसकी डेट्स मैनेज करनी पड़ेंगी। शालीन राहुल पर अटैक हुआ है, किसी ने शूटिंग में घुसकर उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे मारा है, वो दर्द में, और तुम कह रहे हो काम खत्म करके आता। अगर ऐसे ही शूट कैंसिल होते रहे तो उन लोगों को कितना लॉस होगा? लॉस माय फुट, इसका जो लॉस होगा वो मैं पूरा करूंगा, लेकिन मैं राहुल पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शालीन मैं मानता हूं जिंदगी में पैसों की बहुत अहमियत होती है, लेकिन कोई भी दौलत मेरे राहुल से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। अपने भाई की कदर करना सीखो। राहुल सुपरस्टार है, इस देश की आवाज है, लोगों के दिलों की धड़कन है। एक ऐसा सुपरस्टार जो कभी मैं हुआ करता था, उससे भी बड़ा। राहुल की आवाज से टिकट बिकते हैं, उसकी आवाज से हमारे तिजोरियों में सिक्कों की खनक होती है। इसलिए ऐसी आवाज के लिए जितना भी करना पड़े उतना कम है। मैं घर जा रहा हूं, और हाँ तुम सिंगिंग सायरन कॉन्टेस्ट में पूरी जान लगा दो, पूरे शहर में पोस्टर्स लगे, हर कोने को खुद चेक करो। हम कल उस आवाज को ढूंढ निकालेंगे जो तुम्हारे रॉकस्टार भाई के साथ जुड़ सके। इस देश की हर लड़की राहुल के साथ हाथ मिलाना चाहती है, उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहती है, राहुल की हर छोटी से छोटी चीज के बारे में जानना चाहती है। लेकिन जो लड़की राहुल के साथ गाना गाएगी, उसके साथ खड़े होकर गुनगुनाएगी, वो सिर्फ अच्छी नहीं सबसे अच्छी सिंगर होगी। शालीन, राहुल सबरवाल को लोग द गॉड ऑफ म्यूजिक कहते हैं, म्यूजिक का भगवान। एक ऐसा टैलेंट जो जब गाता है तो लोग उसकी आवाज के साथ जुड़ते चले जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं। राहुल की आवाज में एक नशा है जो पूरे देश को एक करता है, इसीलिए वो गॉड ऑफ म्यूजिक है। ए, क्या कर रहे तुम उधर? एक गंदा पोस्टर उतारो यहाँ से। देखो देखो देखो, ये अहंकारी गॉड ऑफ म्यूजिक। हाँ, हम बोला ना उतरो,
उतरो वहां से, उतरो अभी उतरो। अरे क्या कर रहे हैं आप, क्यों चिल्ला रहे? हम क्या चिल्ला रहा है, इसको देखो क्या कर रहा है ये, या हमारा गाड़ी का सामने क्या चिपका रहा है देखो। अरे हाँ चलिए अंदर, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अरे देख रहा है तो देखने दो ना, ये राज सवरवाल और राहुल सवरवाल मिलके क्या कर रहा है म्यूजिक के साथ में। अरे म्यूजिक एकदम बाजारू चीज बना दिया, म्यूजिक इज जस्ट लाइक मदर, मदर को बेच रहा है। ये शर्ट का बटन खोल के कितना नंगा होकर गाना गा रहा है। अरे माँ सरस्वती का अपमान किया है, अब इसी के बारे में बाप बेटा क्या जानता है, कुछ नहीं जानता। अरे हम बंगाली का बच्चा है, बंगाली का बच्चा मतलब रॉयल बंगाल टाइगर। उधर उतरो चला भागो चला, अभी इसको बताएगा नंगा होकर गाना गाना, हाथ फोड़ देगा। क्यों बनता है, म्यूजिक को बेचता है। माँ बाबू क्या, बाबा नीचे आइए। बाबा पोस्टर फाड़ने से ज्यादा बुरा तो मैंने किया उसके साथ, और मेरा ये सुलूक वो सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। क्या बोला? तुम लोग इधर क्या कर रहा है, जाओ घर जाओ, इधर लड्डू बड़ा मिलता है क्या, चलो निकलो यहाँ से निकलो। क्या हुआ क्या हुआ बोलो। बाबा वो राहुल सब्रवाल जीके के पास कोई एड शूट कर रहा था, और मैंने उसे गुंडा समझ के उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार दिया। अब तक तो उसका शूट भी बंद हो गया। अच्छा एक बात बता, जब तू उसका आंख में वो पेपर स्प्रे कर रहा था तो उसको बहुत दर्द हुआ ना, तकलीफ हुआ होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है छोटू। ऐसा क्या हो रहा है ऊपर, आधी दुनिया के डॉक्टर 5 घंटे से ऊपर नीचे कर रहे हैं, और ये मीडिया वाले सामने घर बसा के बैठे। ऐसा लग रहा है कि 15 अस्पताल एक ही कमरे में खुल गए हो। आखिर ऐसा हुआ क्या भैया को? राहुल अभी के आँख में कुछ गया है, है? उसके लिए इतना तामझाम? मेरी माँ तो फूंक मार के आँख से सब कुछ निकाल देती है। तू है और वो राहुल सब्रवाल। तुमको मालूम है ना बड़ा साहब कैसे बच्चा जैसा प्यार करता है राहुल भैया को, एक सेकेंड के लिए भी उनका दर्द देख नहीं पाते है वो। आँखें बहुत सेंसिटिव होती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप ये वाले ड्रॉप्स हर आधे घंटे पे डालिए, आपको रिलैक्स फील होगा। और ये हर्बल आई ड्रॉप, इसके 2 ड्रॉप डालिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सर आंखों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप लोगों को जो करना कीजिए, पर मेरे पेले को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए ना कितनी तकलीफ में, आंखें कितनी लाल हो गई इसकी। ये कब तक ठीक हो जाएगा? डोंट वरी, मैं हूं ना, आप टेंशन लीजिए ही मत। बेटा मैं यू रिलैक्स, पेपर स्प्रे मारा किसी ने मेरी आंख पे, इरिटेशन हो रही है, ठीक हो जाएगा। ओके रिलैक्स, मुझे रेस्ट की जरूरत है, आई नीड टू रिलैक्स, है ना? यस ऑफ कोर्स, मुझे रेस्ट की जी 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 जरूरत है, मुझे कॉल करना है। आप आओगे मैं आपको करते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू वो ड्रॉप कराएंगे जरूर ये खड़े रहिए। सर सर इट्स सेल्फी प्लीज, वो एक्चुअली मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। आ जब बता रहा हूं, जब मैं गाना गाता था तो उस जमाने में इतने बड़े बड़े शोज नहीं हुआ करते थे, तब हम छोटे छोटे शहरों में जाकर के परफॉर्मेंसेस किया करते थे। धूल मिट्टी और थकान की वजह से अक्सर मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो जाया करता था, तब तेरी माँ इसी तरह से ठंडे पानी का सेक किया करती थी मेरी आंखों पर। पता नहीं जादू ठंडे पानी में था या तेरी माँ के हाथों में। क्या बातें हो रही है, जरा हम भी तो सुने। डैड बस अपनी पुराने किस्से सुना रहे थे। झूठ, जरा यहाँ आइए, मुझे मेरे बेटे के पास बैठने दीजिए। बिल्कुल बैठिए मैडम, अपने बेटे के पास बैठिए। गायत्री की बातें कर रहे थे ना ये। क्या राज, आप भी इतनी बार कहा है आपसे कि उसकी बातें कर सकते हैं आप मेरे सामने। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, आपसे पहले जानती थी मैं उसे। अच्छा भाई, उस लड़की का पता चला जिसने मेरे बेटे पर अटैक किया था? उसका पता चलता मैं छोड़ता क्या उसे। इट्स रियली वेरी स्ट्रेंज, पहली बार एक लड़की राहुल के इतने करीब आई और इसकी आंखों में डूब जाने के बजाय उसे धुंधला कर चली गई। तुम उसे शायद देख भी नहीं पाए होगे ना। देख तो शायद वो भी मुझे नहीं पाए, ये लड़की कुछ और ही थी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसा कर सकती। हाँ दादा, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, उसे सॉरी कहना चाहिए था। अच्छा हुआ जो वहाँ से भाग गई, अगर उसके फैंस तुझे वहाँ पर देख लेते या पकड़ लेते ना तो कितनी बेइज्जती करते थे, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम इन सब से तो निकलने नहीं देते। ऐसा क्या है राहुल सब्रवाल, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि तू उसे पसंद करे, लेकिन वो तुझे पसंद करे ये बेहद जरूरी है। ए मानवी, तुम गर्म पानी से कुल्ला उल्ला किया कि नहीं? अभी करती हूँ। वो 1 चम्मच अदरक का रस और उसमें मधु डाल के खा लेना, और जल्दी से कर लो। हाँ जल्दी करो, ए दुकानदार जा तू। आपको पता है ना कि आज क्या हुआ, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि मैं इस कंपटीशन के लिए जाऊं? कभी पॉसिबल नहीं,
बाबा कभी हाँ नहीं करेंगे, देख लेना। देखो मान, बाबा बहुत ही पुराने और कट्टर ख्यालों के, तुम और मैं मिलके उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन किसी ना किसी को तो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा ना। अगर तुम ये कंपटीशन जीत गई तो हम कुछ ना कुछ करके बाबा को मना ही लेंगे। लेकिन पता नहीं राहुल सब्रवाल को मेरी आवाज पसंद आएगी भी कि नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, जितना तीखा दर्द उसे तेरे पेपर स्प्रे से हुआ होगा ना, उससे ज्यादा मीठा सुकून उसे तेरी आवाज सुन के मिलेगा, तू देख लेना। सब्रवाल से आप इतनी नफरत क्यों करते हैं? पुरानी बातें आप भूल क्यों नहीं जाते? जितनी नफरत आप अपने दिल में दबा के रखेंगे ना, उतनी ही तकलीफ आपको खुद को होगी। क्यों नहीं छोड़ देते आप ये सब? नहीं छोड़ सकता, बस ये समझ लो कि जब तक ये नफरत है तब तक हम जिंदा है। एक ही बात का तो सुकून है, चाहे उनको लाखों करोड़ों लड़की लोग मिल जाए राहुल सबरवाल के साथ गाना गाने के लिए, लेकिन मानवी चटर्जी उनको कभी नहीं मिलेगा। चलो पहले ये पी लो। अच्छा मैं वहां रख दो, बाद में पी लो। चलो ठीक। आंखों में लगी है रात को, 2 बजे तक शूट कर रहे थे और अब सुबह सुबह रिहर्स कर रहे हो, क्यों बेटा? आ, रिहर्सल मुझे तब लगता अगर ये मुझे मेरा काम लगता। मोहब्बत में तो वक्त कब गुजर जाए पता ही नहीं चलता, इबादत में तो होश का पता नहीं चलता। जी कैसा प्यार हुआ? माँ कुछ लोग अपने नाम से प्यार करते, कुछ लोग पैसे से, कुछ लोग आवामगी के नाम से, लेकिन मैं, मेरा एक ही प्यार है, इकलौता म्यूजिक। जब तक कोई लड़की नहीं मिल जाती तब तक? Absolutely not. ऐसी कोई लड़की नहीं जिसके लिए मैं अपना म्यूजिक। Really? राजा की गद्दी पे फकीरों का दिल और रूह सूफियाना। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा जुनून म्यूजिक है माँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास कौन गुनगुना रहा है। मुझे इंतजार है तो उस एक आवाज की जिसके साथ मैं गा सकूं। देखो राहुल बेटा, स्मार्टली सोच समझ कर चूज करना। तुम इतने हैंडसम, तो तुम्हारे साथ दिखने वाली लड़की को भी। कम ऑन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितनी खूबसूरत है या कौन किसकी बेटी है। मेरे साथ जो गाएगा उसकी आवाज खूबसूरत होनी चाहिए, एक ऐसी आवाज जो मेरी रूह को सुकून दे। मां आप जानते हो हर आवाज के लिए एक आवाज बनी होती है, और वो आवाज जब इस आवाज के साथ मिलती है तो उसके साथ पूरी तरह जुड़ जाती है, मिल जाती, समा जाती। मैं जिस आवाज को ढूंढ रहा हूं उस आवाज में एक सच्चाई होनी चाहिए, एक हुनर होना चाहिए। म्यूजिक सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचना चाहिए। और देख लेना मैं, जिस दिन मुझे वो आवाज मिल गई ना, मेरा दिल खुद गवाही देगा कि मुझे मेरी जोड़ीदार मिल गई। सानी दापा। लेकिन जिस दिन मैं वो आवाज सुन लूंगा, वो पेपर स्प्रे वाला एहसास होगा मुझे, रूह कांप उठेगी मेरी। यकीन है मुझे, 50,000 करोड़ लड़कियां भी उस ऑडिशन में आएंगी ना माँ, कुछ नहीं बदलेगा। अब इंतजार है मुझे उस आवाज का जिसके साथ गाया हर गीत खुद ब खुद संगीत बनता जाए। इंतजार है मुझे उस आवाज का, उस जोड़ीदार का। माँ हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, ऐसे बाबा से छुप के ये सब? बाकी सब की छोड़, तू अपनी दिल की सुन, क्या तुझे गलत लगता है? तो मैं तेरे साथ हूँ, अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले और तैयार हो जा।
तुम बार बार ये नोटबुक में क्या देखता है? गुरुजी, आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। डकी, हैं? शर्म नहीं आता है? हमारा स्टूडेंट होके ऐसा अश्लील कंपटीशन में भाग लेगा? ये सबरवाल से जुड़ा हुआ एक भी चीज, एक भी आदमी हमको इस घर में नहीं चाहिए। जिसको भी नीच सपना देखना है ना, वो हमारा घर से निकल जाए अभी का अभी। चलो ये कचरा उचरा उठाओ, वहां हमारे घर में सब कुछ नहीं रहेगा। हिम्मत करता हूँ उसको लाने के लिए, चलो निकलो। ये कितनी नफरत करते हैं राहुल सबरवाल से, इन्हें पता चला कि मानवी भी वही जा रही है तो। ये सरस्वती माँ कहते हैं दिन में एक बार आप हर किसी की जुबान पे बैठती, आज पहली बार मैं आपकी भक्ति पूरी दुनिया के सामने करने जा रही हूँ। प्लीज माँ मेरा साथ दीजिएगा। क्या? अब शांत हो जाइए ना। अरे क्या शांत हो जाए, ये राहुल सबरवाल का फोटो लेके आ गई इधर, वहां जा रही है गाने गाने। एक तो बाहर चिपका हुआ है, घर के अंदर भी घुस गया। हमारे घर में राहुल सबरवाल का कोई फोटो वोटो नहीं चाहिए। चटल जी, होने रे। कौन इतना ऊंचा सुर में बात करता है? आपने मेरी बेटी के साथ ऐसे चिल्ला के बात क्यों की? सिर्फ ज्ञान होने से कोई टीचर नहीं बनता। हाँ तो ठीक है ना, एक बात मत भूलना, म्यूजिक हमारे लिए ध्यान है, साधना है, जो हम तुम्हारा बेटी को नहीं सिखा सकता, क्योंकि कल वो बाजार में जाके स्टेज पर टीवी पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए गाना गाएगी। ओहो मिस्टर चटर्जी, आप इसके सिर्फ म्यूजिक टीचर हैं, इसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं तय करूंगा। यही काम आपकी बेटी करे तो ठीक, मेरी बेटी करे तो गलत। जैसे दोगले इंसान है आप। खबरदार, वो संभाल के बात करो, हमारा छत के नीचे खड़ा है इसीलिए माफ करा तुमको। नहीं तो क्यों, आपकी बेटी भी इसी ऑडिशन के लिए जा रही है। मैंने खुद उसे कॉन्टेस्ट के रजिस्ट्रेशन की लाइन में फॉर्म भरते हुए देखा है। अब ये मत कह दीजिएगा कि आपको तो पता ही नहीं है, मानवी आज उसी ऑडिशन के फाइनल राउंड के लिए ही जा रही है। और अगर सच में आपको मालूम नहीं है तो दुनिया में आपसे बदनसीब बाप कोई और नहीं है। आपके जैसे टीचर से तो अच्छा है कि मेरी बेटी म्यूजिक ही ना सीखे। क्या देखता है वो आदमी? झूठ बोल रहा था ना। देखो कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हम जानता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम हमारा ट्रेनिंग को अपमानित नहीं होने देगा ना? हमारा पूजा को तुम जाके बाजार में नहीं बेचेगा? ऐसा अश्लील कॉन्टेस्ट में तुम भाग नहीं लेगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा ना बेटा? वो सच कह रहे थे बाबा, मैं वहीं जा रही हूँ। मतलब? मैं उसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही थी। आप एक बार, हमारा बेटी हमको धोखा दिया। दुनिया में एक चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता है, हमारा छाती में पांव रख के तुम वहां जा रहे बाबा। छोड़ो हमारा, अपने आप को बेच दिया ना, अपना आर्ट, अपना कल्चर, सब कुछ हमारा पीठ के पीछे किया ना, छुप छुप के। मानवी ने कुछ भी छुप छुप के नहीं किया है बाबा। हाँ हमने आपसे ये बात छुपाई, आपको तो इस बात का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि माँ आपको कभी इस बात का एहसास होने नहीं देगी। वो आपको कभी नहीं बताएंगी कि कितनी मुश्किलों से हम इस घर का खर्चा चलाते हैं। हर्ष, ये तू क्या बोल रहा है? आज तेरे बाबा का जन्मदिन है, चुप हो जा। नहीं माँ, आज कल करते करते सालों बीत गए, किसी को तो इन्हें समझाना पड़ेगा कि 1980 के भाव में 2015 के खर्चे नहीं चल सकते। और अगर मानवी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती तो क्या गलत है? तो इसका जो दिमाग खराब हुआ है, उसका पीछे जो वजह है वो तुम है। हम जानता था वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो अपना आर्ट का वैल्यू जानता है।
अब तुम्हारी मर्जी, तुम ऑडिशन पे जाना चाहती हो या नहीं। मानवी, अपने दादा को बोल दे उस घटिया राहुल सबरवाल के साथ तू गाना नहीं गाएगी, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। ये भी नहीं, दुकानदार कहीं का मैं गाना चाहती हूं बाबा, राहुल सबरवाल के साथ। कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हम जानता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम हमारा ट्रेनिंग को अपमानित नहीं होने देगा, हमारा पूजा को तुम जाके बाजार में नहीं बेचेगा। मानवी चटर्जी, आप ऑडिशन रूम में चलिए। आप भी ना, ये लीजिए, इसे सुनिए, मानवी रख के गई है आपके लिए। तुम ही रखो, हमको नहीं सुनना। गाना गा के भेजा होगा और क्या। बाबा, बस 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये सब आपसे सुबह ही कहना चाहती थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैंने आपका दिल दुखाया है। आप सही कह रहे थे बाबा, आपकी बेटी आपकी शिक्षा को दुत्कार कर कभी नहीं जा सकती। आप सिर्फ मेरे बाबा ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं, और एक गुरु का स्थान पिता से कई गुना ज्यादा ऊपर होता है। पिता अपने बच्चों के लिए वो सब करता है जो उसके हाथ में होता है, पर एक गुरु अपने स्टूडेंट पर अपनी खुद की पूरी जिंदगी लगा देता है। मेरी कला, मेरा म्यूजिक आपकी परछाई है बाबा। मैं आज जो भी हूँ आपसे हूँ, यकीन कीजिए, मैं आपको कभी नीचा नहीं दिखाऊंगी। मैं बस आपकी शिक्षा को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ बाबा, असली म्यूजिक सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। आपकी दी हुई आवाज को मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेके जाना चाहती हूँ। मैं घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए या दादा के कहने पर स्टार बनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ बाबा, आपकी सोच, आपका म्यूजिक लोगों तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। भगवान की जगह छीनने की कोशिश की है उन्होंने बाबा, मैं वापस देवी माँ को उनके मंदिर में पहुँचाना चाहती हूँ। पॉप एल्बम के गाने गाने का इंस्ट्रक्शन था ना, ये क्या लगा रखा है? क्लासिकल गा रही है वो, देखो कितनी अच्छी आवाज है उसकी। वाओ, सालों में इतनी अच्छी आवाज नहीं सुनी, और सुर पर पकड़ तो देखो, वंडरफुल। Your voice quality is brilliant. तुम्हें final round में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम एक काम करो, reception पर wait करो। कल रात जो कुछ भी मैंने राहुल के साथ किया था, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आखिर मिली गई तुम।